एमएस वर्ड के टूल्स मेन्यू में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है मेल मर्ज, जो कि आता है लेटर्स एंड मेलिंग ऑप्शन के अंतर्गत। तो ये मेल मर्ज ऑप्शन क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं पहले। मेल मर्ज, जैसा कि इसमें नाम दिया गया है, इसके द्वारा हम ऐसे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसका डिजाइन हमने एक किया हुआ है, लेकिन उसे हम बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। बहुत सारे लोगों को उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे लोगों का डेटा हम मर्ज कर सकते हैं। और इसमें मेल मर्ज जब हम बनाते हैं तो उसमें हम दो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है और एक उसमें जो डेटा भरा जाता है अलग अलग लोगों का, वो डेटा होता है। तो इस कारण से मेन डॉक्यूमेंट और डेटाबेस होने के कारण, दोनों डॉक्यूमेंट को मिलाने के कारण, यहाँ पर मर्ज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मर्ज का मतलब ही होता है मिलाना, और मेल मर्ज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादातर इंटरनेट में ईमेल करने से संबंधित डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है, इसी कारण से इसका नाम क्या है, मेल मर्ज है। तो मेल मर्ज का इस्तेमाल हम एक डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को जनरेट करने के लिए, बहुत सारे लोगों के डेटा के जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेल मर्ज को समझने के लिए हमने एक यहाँ पर सर्टिफिकेट डिजाइन किया हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट डिजाइन कर लें, जिसमें हमने हेडिंग डाल दी है सर्टिफिकेट, इसमें थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग कर दी है, फिर यहाँ पर लिखा है कि मिस्टर मिसेस, और यहाँ पर आ गया आपका उस स्टूडेंट का नाम जिसको सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। ये सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है किसके लिए, ये सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है स्टूडेंट को इशू करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए ये किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर ये सर्टिफिकेट स्टूडेंट को इशू करना है, तो वहां पर क्या होगा कि एक स्टूडेंट तो होंगे नहीं, 50, 100, 200, 1000 और भी ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं। तो यदि सभी को सर्टिफिकेट देना है तो इस प्रकार से डिजाइन करके और सभी के नाम को हमको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, किस डेट से उसने कोर्स किया है, किस डेट तक कोर्स किया है वो टाइप करना पड़ेगा, उसका ग्रेड क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, ये हमको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन मेल मर्ज हमको ये सुविधा देता है कि यदि हम उन सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक जगह रख लेते हैं, है ना, डेटाबेस बना करके उन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक जगह रख लेते हैं, तो उस रिकॉर्ड का, उस डेटाबेस का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा, जिसके कारण हमको सभी डॉक्यूमेंट में अलग अलग डेटा जाकर के टाइप नहीं करना पड़ेगा। बड़े आसानी से अपन सारे स्टूडेंट का डेटा यहाँ सर्टिफिकेट में लगा सकते हैं। तो उसके लिए देखो, एमएस वर्ड में एक लैंडस्केप पेज लेकर के और आपको इस प्रकार से डिजाइन बनानी है, और ये एक ही पेज रहेगा। अभी जैसे हमारे पास पेज वन एक ही पेज सिलेक्ट है। अब हमको बहुत सारे स्टूडेंट का यदि सर्टिफिकेट जनरेट करना है तो उसके लिए हम टूल्स मेन्यू में जाएंगे, लेटर्स एंड मेलिंग में जाएंगे और यहाँ से चुन लेंगे मेल मर्ज ऑप्शन। तो जैसे ही हम मेल मर्ज में क्लिक करेंगे तो देखिए, एमएस वर्ड में मेल मर्ज को बनाने के लिए स्टेप पहला, स्टेप वन ऑफ सिक्स, सिक्स स्टेप में से पहला स्टेप दिखाई दे रहा है। तो ये हम मेल मर्ज की टास्क पेन भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट में आप वर्क कर रहे हो। ये आप इसको लेटर भी मान सकते हो क्योंकि इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेटर, एनवेलप, लेबल और डायरेक्टरी, है ना। इनमें से किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेटर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। How do you want to set up your letters? किस प्रकार से आप अपने लेटर को जो है सेटअप करना चाहते हैं? क्या आपने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, या स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, कोई टेम्पलेट बनाया हुआ है उसको आप लेकर के आके और उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब कोई पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है क्या उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसलिए हम सिलेक्ट करते हैं यूज द करेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर आ गया कि आप डेटाबेस जो इसमें रखना चाहते हैं रिकॉर्ड्स, उसके लिए यहाँ पर आपको जो है वो डेटाबेस क्रिएट करने का भी ऑप्शन आ गया। तो यदि डेटाबेस पहले से बना हुआ है तो आप यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, पहले से बनी हुई लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन के द्वारा यदि आप आउटलुक कॉन्टेक्ट्स है आपके पास, आउटलुक एक्सप्रेस
सॉफ्टवेयर होता है जो कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है, उसमें यदि आपका डेटा है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, या नया डेटाबेस नई लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया गया है क्रिएट ऑप्शन। जैसे ही हम क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है मेल मर्ज में जो डेटाबेस हमको क्रिएट करना है उसको बनाने के लिए ये एक बॉक्स आ गया। इस बॉक्स का नाम है न्यू एड्रेस लिस्ट बॉक्स। तो यहाँ पर सिंपली इसने लिख दिया यहाँ पर एंटर एड्रेस इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो भी आप डॉक्यूमेंट में यहाँ पर फील्ड रखना चाहते हो, जैसे हम यहाँ पर स्टूडेंट का नाम रखना चाहते हैं, यहाँ पर कोर्स रखना चाहते हैं, किस डेट से उसने कोर्स किया, किस डेट तक कोर्स किया, क्या ग्रेड है, क्या परसेंटेज है, ये यदि हम फील्ड के रूप में रखना चाहते हैं तो उस फील्ड के बारे में हम यहाँ पर जानकारी देंगे। तो अभी यहाँ पर टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिखा हुआ है और हमको ये भी इस प्रकार की फील्ड नहीं चाहिए है। इस फील्ड को हमको क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, अपने से बदलना पड़ेगा। तो कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर जो ये कस्टमाइज बटन दिख रही है इस बटन में क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ गया फील्ड लिस्ट, है ना। मतलब आप कौन कौन सी फील्ड चाहते हैं, तो क्या हम टाइटल चाहते हैं अपने सर्टिफिकेट में, नहीं चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट बटन में क्लिक करेंगे, यस कर देंगे, टाइटल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेम चाहते हैं और नेम में भी केवल नेम लिखा हुआ है, या फील्ड तो हम किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं या नेम भी जो है केवल लिख सकते हैं, लास्ट नेम की जरूरत नहीं है इसको भी डिलीट कर देते हैं, कंपनी नेम की जरूरत है नहीं है इसको भी डिलीट कर देते हैं, एड्रेस की भी जरूरत नहीं है, एड्रेस टू की भी जरूरत नहीं है ना, सिटी की भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार से जो भी अपन को जरूरत होगी फील्ड अपन वही लेंगे, बाकी जो है हटा देंगे। तो ये सारी फील्ड्स को अपन क्या करते हैं यहाँ से हटा देते हैं, ये देखो सारी फील्ड्स को हटा दिया। और क्या क्या चाहिए हमको, नेम में फर्स्ट नेम नहीं लिखते उसको नेम बस रहने देते हैं, रीनेम ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से इसको नेम को जो है हटा देते हैं, केवल ये नेम बस रह गया, ऐड में क्लिक किया। अब उसके बाद चाहिए है यहाँ पर नाम हो गया, उसके बाद चाहिए हमको कोर्स, कौन सा कोर्स कर रहा है, कोर्स को सिलेक्ट कर लो, फिर ऐड करो, उसके बाद किस डेट से उसने कोर्स स्टार्ट किया स्टूडेंट ने वो सिलेक्ट कर लो, फिर ऐड किया, फिर उसके बाद जो है किस डेट तक कोर्स करना है वो सिलेक्ट कर लो, फिर ऐड कर लो, और उसके बाद उसका ग्रेड क्या है ये हमने टाइप कर दिया क्योंकि हमको ग्रेड देना है अपने सर्टिफिकेट में, ग्रेड के बाद परसेंटेज क्या है तो हमने यहाँ पर परसेंटेज दे दिया, ओके बटन में क्लिक कर दिया। तो इतनी फील्ड हमको जो है वो चाहिए है अपने सर्टिफिकेट के लिए, मतलब इसके अंतर्गत रिकॉर्ड जो है होने चाहिए जो कि हम यहाँ पर भरेंगे। तो ये फील्ड हमने क्रिएट कर ली। अगर किसी फील्ड को ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए भी मूव अप मूव डाउन बटन दी गई है, रिनेम करना है उसके लिए रिनेम है, डिलीट करना है डिलीट है, ऐड करना है उसके लिए नई फील्ड ऐड करना है उसके लिए है, ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखो वही फील्ड्स जो है यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जिसको हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ पर हम जो है सबके जो भी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना है उसका नाम यहाँ पर हम जनरेट कर देते हैं और उसका डेटा बना देते हैं, डीसीए कब से स्टार्ट किया कोर्स, कब तक कोर्स चलेगा, वो सारी जानकारी जो है हमको यहाँ पर देना है। इस प्रकार से हमने सारी जानकारी दे दी और फिर उसके बाद हमने क्लिक किया। अब इसमें और नए रिकॉर्ड एंटर करना क्योंकि हमको कई स्टूडेंट का बनाना है, तो अभी हमने एक रिकॉर्ड एंटर किया, उसके बाद हम फिर इससे क्लिक करेंगे न्यू एंट्री बटन पर और हम जो है दूसरा रिकॉर्ड देंगे। इस प्रकार से दूसरा रिकॉर्ड एंटर कर दिया हमने और दूसरा रिकॉर्ड एंटर करने के बाद जो है ग्रेड हमको देना है और फिर हम क्लिक करेंगे न्यू एंट्री बटन पर। तो ऐसे जितने रिकॉर्ड चाहिए आप उतने रिकॉर्ड जो है आप एंटर कर सकते हैं, 3 4 5 जितने भी रिकॉर्ड आपको देना है उतने रिकॉर्ड आप बड़े आसानी से यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने समझने के लिए जो है इस प्रकार से रिकॉर्ड दे दिए और अगर आपको नई एंट्री नहीं करना है तो फिर न्यू एंट्री बटन पर क्लिक नहीं करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लोज बटन पर। अगर कोई एंट्री गलत हो गई है, हटाना है एंट्री को, डिलीट एंट्री कर सकते हैं, कोई एंट्री को ढूंढना है आपको तो फाइंड एंट्री पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक
ठीक है, अगर फिर से इसमें कोई फील्ड को जोड़ना या हटाना तो फिर से कस्टमाइज में जाकर के ये जो फील्ड दिख रही है इसको आप जोड़ सकते हो या हटा सकते हो। अगर यहाँ पर रिकॉर्ड भर चुके हैं तो फिर से क्लिक करना है क्लोज बटन पर। तो ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर में माय डेटा सोर्स जो फोल्डर है, जो कि कहाँ पर होता है, जो कि आपके सी ड्राइव में और माय डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सेव होता है, इस माय डेटा सोर्स के अंतर्गत, है ना। एक फाइल बनती है, जो फाइल किस प्रकार से होती है, एमएस एक्सेस की फाइल होती है। एमएस एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस को रखने के लिए, रिकॉर्ड्स को रखने के लिए किया जाता है। तो मेल मर्ज में भी जो अपन रिकॉर्ड्स भरते हैं, जो रिकॉर्ड्स बनाते हैं, वो सब किस फाइल में बनते हैं, एमएस एक्सेस की फाइल में बनते हैं। इसी कारण से यहाँ पे सारी फाइल केवल एमएस एक्सेस की फाइल दिखाई दे रही है। और यहाँ पर इस तरीके से मैसेज भी आ रहा है माय डेटा सोर्स, ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर हमारी फाइल सेव होगी। तो हम चूंकि स्टूडेंट का सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो सर्टिफिकेट इस प्रकार से हमने नया नाम दे दिया, सर्टिफिकेट जनवरी, और सेव बटन पर क्लिक कर दिया। और हमारे पास देखो यहाँ पर तीन रिकॉर्ड हैं, और भी रिकॉर्ड होते तो और भी रिकॉर्ड नीचे दिखाई देते। और जिनका सर्टिफिकेट जनरेट करना है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनका नहीं करना है उसको यहाँ से अनचेक्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बटन दी गई है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिलेक्ट ऑल से पूरे यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर ऑल से जो यहाँ पर सारे रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पर जो क्लियर चेक्ड है वो हट जाएंगे, जिससे कि फिर वो यहाँ तक डेटाबेस जो है यहाँ पर वो इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम तीनों रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओके बटन पर क्लिक किया। ऐसा करने के बाद देखो यहाँ पर एक मेल मर्ज की टूल बार भी आ जाती है। इस मेल मर्ज की टूल बार का भी इस्तेमाल जो है हम कर सकते हैं, है ना। अभी हम इसको ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं, फिर इसका यूज समझेंगे। उसके बाद अभी हम टास्क पेन में ही आ जाते हैं। इस टास्क पेन में जो है हमको क्लिक करना है फिर से नेक्स्ट बटन पर, क्योंकि हमने लिस्ट बना ली है, जिस दूसरी फाइल को हमने बना लिया। पहले हमने इस फाइल को बनाया था, अब हमने दूसरी डेटाबेस वाली फाइल को भी बना लिया है और उसमें रिकॉर्ड भी भर दिए हैं। अब हम टास्क पेन में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अब हमने जो डेटाबेस बनाया है उसमें जो फील्ड है उन फील्ड के रिकॉर्ड्स को हमको यहाँ पर लाना है। तो उसमें जो भी फील्ड्स दी गई हैं उसको अपन यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक मोर आइटम्स जो है ऑप्शन दिया गया है, इस पे हमने क्लिक किया। तो ये देखो जो फील्ड बनाई थी वो फील्ड यहाँ पर सारी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर नाम इंसर्ट करना है तो नेम को सिलेक्ट किया, नाम इंसर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर कोर्स को इंसर्ट करना है, कोर्स को सिलेक्ट कर लो, मोर आइटम में जाओ, कोर्स को सिलेक्ट कर लिया, कोर्स भी आ गया। उसके बाद फ्रॉम डेट की फील्ड को सिलेक्ट करना है ताकि उसका रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे आखिरी में। तो कर्जर यहाँ रखा, मोर आइटम में गए और हमने यहाँ पर फ्रॉम डेट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमको किस डेट तक कोर्स किया स्टूडेंट ने उसको सेलेक्ट करना है, कर्जर यहाँ रखा, मोर आइटम में गए, टू डेट को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है ग्रेड, तो कर्जर यहाँ रखा, मोर आइटम में गए और ग्रेड को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद परसेंटेज को सेलेक्ट करना है, तो परसेंटेज को सेलेक्ट करने के लिए कर्जर को उसके बाजू में रख दिया, मोर आइटम में गए, परसेंटेज को सेलेक्ट कर लिया। तो इस प्रकार से जो है सारी फील्ड को देखिए, फील्ड कैसे मालूम है कि ये फील्ड है, इसके बाजू में जो है इस प्रकार से ये सिंबल दिखाई दे रहा है, जिसका अर्थ ये है कि ये एक फील्ड है। अब यदि आपको यहाँ पर सुधार करना है, थोड़ा सा हम रिकॉर्ड्स को सुधार सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से कर लीजिए ताकि और आपको डॉक्यूमेंट पूरा दिखाई दे, और ये डैश डैश जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ताकि इतने में तो नाम आ जाएगा। और कोर्स भी हम अपने अनुसार बना लेते हैं, जितनी जगह चाहिए, क्योंकि हमको डीसीए पीजी डीसीए बीसीए बस लिखना है, तो लगभग इतनी जगह में आ जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ से अपन फ्रॉम डेट लिख रहा है ना, फ्रॉम डेट को भी अपन यहाँ से एडिट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं फ्रॉम डेट को, और से टू डेट को भी हटा देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जगह सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर ग्रेड हो गया और परसेंटेज हो गया, ये परसेंटेज हो गया, है ना। जिस प्रकार से बनाना है डॉक्यूमेंट उस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपन बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इतना डॉक्यूमेंट बन गया है आपका, अब इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद जो है इसमें जाएं, और इसमें जाने के बाद अब हमको क्लिक करना है यहाँ पर स्टेप
फोर ऑफ सिक्स में हम फिर से हमको यहाँ पर प्रीव्यू योर लेटर्स, जो भी डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको अब हम क्या करना चाहते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रीव्यू योर लेटर्स पर। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो देखो दिखाई देने लगेंगे। यदि आपको रिकॉर्ड्स प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहे हैं तो भी हम जा करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इसको, है ना। हमारे ऊपर है, फिर हमको जैसा सेट करना है, जैसा साइज वगैरह करना है, हमने सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज भी छोटा कर लिया इसका। इस प्रकार से हमारे ऊपर है कि हम अपने रिकॉर्ड को जो है वो किस प्रकार से सेट कर लें। और अभी हमको यहाँ पर डिजाइनिंग आप बाद में उसकी आसानी से कर सकते हो। उसके बाद हमको यहाँ पर मुख्य चीज समझना है कि देखोगे कि पहला रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, पहला रिकॉर्ड यहाँ पर, पहला रिकॉर्ड दी थी ये देखो, उसकी डेट किस डेट से किस डेट तक किया, ग्रेड क्या है, परसेंटेज क्या है। तो केवल क्या दिखाई दे रहा है, पहला रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। अब चाहते हैं अपन कि जो भी रिकॉर्ड हमने भरे थे उनका भी सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है कंप्लीट द मर्ज में, सभी रिकॉर्ड्स के लिए सर्टिफिकेट बनाना है। तो एडिट इंडिविजुअल लेटर्स में अगर कोई विशेष रिकॉर्ड है 1 to 10 या 10 to 15 रिकॉर्ड, तो उसको यहाँ से टाइप कर सकते हो। करेंट रिकॉर्ड बस देखना है तो करेंट रिकॉर्ड बस कट आप सर्टिफिकेट देख सकते हो। सभी का बनाना है जितने की आपने एंट्री की है, तो यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। तब आप देखेंगे कि पहला सर्टिफिकेट पहला डेटा से तैयार हो गया, और जब नीचे की तरफ देखेंगे तो दूसरा सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। देखो दूसरा सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, इसमें हमको टाइप नहीं करना पड़ा। जितनी जितना डेटा था, तीसरा डेटा हमने बनाया था इसका, इसका भी ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। तो अब इस मेल मर्ज का इस्तेमाल केवल हम सर्टिफिकेट बनाने के लिए नहीं, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए जिसका कि डिजाइन जो है वो एक सा रखना है हमको, है ना। जिसका कि ये देखिए तीनों हमारे बन चुके हैं, जिसका कि डिजाइन हमको एक सा रखना है, और उसमें कुछ ऐसा डेटा है, उसमें कुछ ऐसा डेटा है जो हम चाहते हैं कि वो डेटा सब में आए और वो डेटा अलग अलग हो। जैसे कि यहाँ पर है तीनों सर्टिफिकेट का डिजाइन एक सा है, लेकिन यहाँ पर जैसे स्टूडेंट का नाम, उसका कोर्स, फ्रॉम डेट टू डेट, परसेंटेज, ग्रेड, ये डेटा अलग अलग है। तो उसके लिए हमने जो है वो मेल मर्ज का इस्तेमाल किया। मेल मर्ज का इस्तेमाल आप कहीं भी ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं जिसका डिजाइन एक सा हो लेकिन उसमें जो डेटा भरा हुआ है वो अलग अलग लोगों का हो, और फिर प्रिंट निकाल लो आप। उसके लिए केवल आपको एक फाइल बनानी है जिस जो कि एमएस एक्सेस की फाइल कहला सकती है, जिसको कि हम रिकॉर्ड सोर्स फाइल बोल सकते हैं। मेल मर्जी सुविधा देता है उस फाइल्स को बनाने के लिए, और हमको एक मुख्य डिजाइन करना है, और उसके बाद जो है स्टेप्स को फॉलो करना है, हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। तो हमने देखा बड़े आसानी से हमने कैसे मेल मर्जी का इस्तेमाल किया।